पिछले हफ्ते हमने ये बात करी कि हम बॉसेस कैसे हैं, एज बॉसेस हमारा व्यवहार और बर्ताव कैसा है, और इस पे बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा हुई। उसी चर्चा को आज आगे बढ़ाते हैं। हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं मिस्टर दीपक गुप्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर कॉनफेरी, और मिस नीना चतरथ, लीडर इन लीडरशिप कंसल्टिंग। आप दोनों का फिर से स्वागत है। थैंक यू। साथ में हमारे साथ हमारी ऑडियंस है, ये आई है भारतीय विद्यापीठ, ये मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं। अभी तक हमारी जो बात चली वो चली थी रिगार्डिंग कि हम में और उनमें क्या फर्क है इंडियन या ईस्टर्न या वेस्टर्न मैनेजमेंट में। इस पर हॉफस्टेड ने एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च करी है, जिसके बगैर इसको समझना थोड़ा इनकम्प्लीट रह जाएगा। हॉफस्टेड एक डच साइंटिस्ट थे, सोशल साइंटिस्ट। उन्होंने ये स्टडी किया कि ऑर्गेनाइजेशनल और नेशनल कल्चर कैसे इंटरमिक्स होते हैं, उनका क्या इंपैक्ट होता है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर पे नेशनल कल्चर का क्या इंपैक्ट होता है। और उन्होंने पाया कि कुछ ऐसे कल्चर्स हैं जो इनइक्वालिटी टॉलरेट करते हैं और कुछ नहीं करते। जो इनइक्वालिटी टॉलरेट नहीं करते उनका स्कोर उन्होंने एक पावर डिस्टेंस इंडेक्स बनाया, उस पर कम कर दिया, और जो टॉलरेट करते हैं उस पर ज्यादा कर दिया। और उन्होंने पाया कि स्वीडन में जब 1809 में स्वीडिश लोगों ने सत्ता पलट दी और किंग जो इनएफिशिएंट और करप्ट थे उनको हटा दिया, उसके बाद वो एक जनरल को लेकर आए फ्रांस से, नेपोलियन के जनरल थे जॉन बाप्टिस्ट बार्नोद, और उनको बोला कि आप किंग बन जाइए। वो किंग बने। पहली बार जब वो पार्लियामेंट को एड्रेस करना चाहा उन्होंने, तो उन्होंने सोचा मैं स्वीडिश में बोलूंगा, टूटी फूटी आती थी उनको, उन्होंने बोला। जैसे ही बोलना शुरू किया उनकी टूटी फूटी स्वीडिश सुन के सारे स्वीड पार्लियामेंटेरियंस उनपे खूब हंसे, उनका खूब उपहास उड़ाया। ये फ्रांस में अलाउड नहीं है अपने सीनियर पे हंसना, लेकिन स्वीडन में अलाउड है, क्योंकि हॉफस्टेड की रिसर्च के अकॉर्डिंग फ्रांस एक ऐसी कंट्री है जो इनइक्वालिटी टॉलरेट करता है, और यहां पर जूनियर्स इनइक्वालिटी टॉलरेट स्वीडन में नहीं करते। उसके बाद उस किंग ने कभी भी स्वीडिश में बात नहीं करी, वो बुरा मान गए। लेकिन अगर ये रिसर्च उनको मालूम होती तो वो समझते कि इनके कल्चर में ये करना स्वाभाविक है और हमारे कल्चर में करना नहीं। तो ये पॉइंट इस बैकड्रॉप पर रख के मैं आपसे एक दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। पहला प्रश्न, नार्सिसिस्टिक लीडरशिप बताइए क्या होती है ये? हाँ, तो नार्सिसिस्ट लीडर होते हैं और कई जगह पाए जाते हैं। What do we mean by narcissist leader? Ego is very high, ego is very strong. अपनी आप छवि बहुत बड़ी बना देते हैं, you become a larger than life leader. और अपनी आप visibility इतनी high रखते हैं, you will be seen in conferences, on talk shows, and here and there and everywhere. और अपने आप को वो गॉड मानने लगते हैं, एंड वो ईगो फिर बहुत बड़ी हो जाती है। वी सी दिस अ लॉट इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऑल्सो, एंड पब्लिक एरियाज में भी, पब्लिक सेक्टर में भी ये देखा जाता है। एंड इसका डाउन साइड होता है कि ईगो इतनी बड़ी हो जाती है कि उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचनी बंद हो जाती है, इन्फॉर्मेशन पहुंचनी बंद, बिकॉज आपके ईगो नार्सिसिस्ट बिहेवियर से देर आर सम इमोशनल कॉम्पिटेंसीज दैट यू विल ब्रिंग टू द फोर जो कि ठीक नहीं होती। आपकी ह्यूमिलिटी खत्म हो जाती है, यू विल बिकम कि भी मेरी ही बात रखी जाएगी, माय वे और द हाई वे, और आपको अपने ऊपर इतना ज्यादा स्वाभिमान हो जाता है कि आप रियलिटी से टच लूज कर जाते। मतलब आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं, कोई आपके सामने सच नहीं बोलता, सच नहीं बोलता। अब नार्सिस्ट लीडर्स, नार्सिस्टिक लीडर्स ये कहते हैं, मैकियावेली ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला यहां पर, दैट योर पीपल शुड बी एबल टू शेयर द ट्रूथ विथ यू, बट देन ही ब्रिंग्स अ सिग्नेचर ट्विस्ट, द प्रॉब्लम इज दैट इफ दे शेयर ऑल द ट्रूथ विथ यू देन यू लूज रिस्पेक्ट। इस पे आपका क्या कमेंट? टू योर पॉइंट ऑन दिस वन, मैं आपको एक और मुद्दा देती हूँ ट्रांसपेरेंसी का। सो आप जो बोल रहे हैं कि एक नार्सिसिस्ट लीडर है वो अपने तक इन्फॉर्मेशन रखेगा, बड़े स्ट्रेटेजिकली स्मार्टली वो इन्फॉर्मेशन प्ले करता है। हमने काफी सारे कॉम्पिटेंसी वर्ल्ड में इसकी रिसर्च करी है, एंड इसको अच्छे अच्छे नाम दे दिए गए हैं आजकल जार्गन के नाम पे, पॉलिटिकल सैवीनेस, ऑर्गेनाइजेशन एजिलिटी, काफी नाम दिए हैं कि मेरे को, मैं जानता हूं कि कॉरिडोर्स ऑफ पावर कहां है, लीवर्स कहां है, इन्फॉर्मेशन कहां रेस्ट करती है। मगर आजकल के दिन में ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी ऑफ प्रोसेसेस, ट्रांसपेरेंसी ऑफ डिसीजन मेकिंग, एंड आज का नॉलेज वर्कर जो है ना वो इस तरह की लीडरशिप से फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फ्रस्ट्रेट होता है और वो छोड़ देता है, वो आगे चला। आपसे प्रश्न दीपक,
क्या आप ऐसी कंपनीज को जानते हैं जो जहां पर नार्सिस्टिक लीडरशिप स्टाइल बहुत सक्सेसफुल है? मैं ये नहीं कह सकता कि नार्सिस्टिक स्टाइल है, लेकिन डेफिनेटली ए सिंगल पर्सन स्टार्टअप कंपनीज में, जो स्टार्टअप कंपनीज होती हैं, एक एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करता है और ज्यादा करके उस कंपनी का सक्सेस उस एंटरप्रेन्योर पर डिपेंड करता है. तो वो आप वेदर इट इज वेदर यू कैन टर्म इट ऑल द वे टू दिस साइड ऑफ द इक्वेशन इज डिबेटेबल, बट देर आर कंपनीज जो बहुत सक्सेसफुल हुई हैं और बड़ी होकर के दे चेंज द स्टाइल. मैं अप टू अ पॉइंट ये स्टाइल सक्सेसफुल रह सकता है इन सर्टन सिचुएशंस, इन स्टार्टअप सिचुएशंस, नॉट अगर एक बड़ी कंपनी हो उसमें जाके आपने ऐसा स्टाइल डिस्प्ले. तो कहीं पर सत्य जो है वो ये भी है कि शायद इस तरह की स्टाइल लीडर को बहुत मोटिवेट कर देती है, या लीडर के आसपास जो लोग हैं उनको बहुत मोटिवेट कर देती है और वो उसको परकोलेट कर देते हैं, उस एंथुजियाज्म को, मतलब उस मूड को वो कैच करके पूरी कंपनी में चला जाता है. बट ऑफ कोर्स आई एग्री विथ यू कि नॉलेज वर्कर होगा वो ऐसी जगह पर काम करने में उसको मुश्किल होगी. और आजकल पवन, आजकल ऐसे स्टाइल्स ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है. और जिनके जो ऐसे स्टाइल्स डिपिक्ट कर रहे हैं उनको जरूर अगर कंपनी रिकग्नाइज कर लेती है उसको, तो उनको कोचिंग या काउंसलिंग या कुछ करा के थोड़ा सा उनको ये स्टाइल को दबाने की कोशिश कर. आई'd लाइक टू से समथिंग ऑन दिस वन. हाँ, तो ये नार्सिसिस्ट लीडरशिप एक सदी में, एक डेकेड, दो डेकेड पहले सक्सेसफुल था. आज के दिन में look at the macroeconomic situation of the world. Look at the way we have no answers, we have issues, we do not know where the answers lie. You think one person can come up with any answers? This is the time when you cannot afford to be narcissist. This is the time when you have to have diversity in your team. Clone leadership se kuch nahi hoga. मैंने अपने जैसे क्लोन खड़े कर दिए हैं, उनकी थिंकिंग सेम है, मेरी थिंकिंग सेम है, वो खाली मैं जो बोलता हूँ वो रिफ्लेक्ट करे, मगर मैं कितने हद तक ठीक हूँ. बट आपका पॉइंट बड़ा बहुत वैलिड है कि आजकल के टाइम में ये इस तरह की जो लीडरशिप है वो कम होती जाएगी. बट मेरा बस सत्य की तरफ प्रकाश डालने का मकसद ये था कि कहीं कहीं पर इंडिया में मैंने देखा है, फॉरेन कंट्रीज में मैंने कहीं नहीं देखा, ये इंडिया में मैंने देखा कि इस तरह की लीडरशिप स्टाइल्स भी कहीं पर काम आती हुई छोटे छोटे पॉकेट्स में, और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल में, या अपनी जैसे हमारी जो ट्रेडिशनल स्टाइल है अगर एक्स है उसको और पार्टिसिपेटिव या कंसल्टेटिव या डेमोक्रेटिक या लेसे फेयर बनाने में क्या प्रॉब्लम्स है? उसमें प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आप कंसेंसस ही बिल्ड कर रहे हो. दिनों दिनों तक आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, ओपिनियंस डिस्कस हो रहे हैं, सबकी ओपिनियंस टेबल पे आ रही है, सब सहमत नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है. और टाइम निकलता जा रहा है और आपने एक्शन नहीं लिया, तो इट गोज बैक टू आवर स्टाइल जो हमने स्टडी में निकाला था, जो पिछले हफ्ते डिस्कस किया था हमने, कि इंडियन स्टाइल इज मोर टास्क फोकस्ड एंड हायरार्किकल. तो ऐसे सिचुएशन में व्हाइल वी आर चेंजिंग टू पार्टिसिपेटिव, बट बियॉन्ड अ पॉइंट पार्टिसिपेटिव स्टाइल मे नॉट वर्क. तो यू हैव टू स्टॉप एंड से ओके इनफ, मैंने सबकी ओपिनियन ले ली, अब मुझे एक डिसीजन लेना. हमारी कंपनी में एक सिक्योरिटी गार्ड है, वो सबका सामान उठाता था, पर्टिकुलरली मेरा, साथ ही साथ आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करना. कैसे हमें इनको कोच करना चाहिए जिससे जब हम इनको थोड़ी सी और फ्रीडम दें और इनको और टास्क फोकस्ड और प्रोफेशनल बनाएं, जिससे ये बिल्कुल ही रिलैक्स ना हो जाए. इस पे देखिए, दिस इज ऑल अबाउट चेंज. अभी वी आर इन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टाइल एंड अ सर्टन कल्चर इनटू अ डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लोबल स्टाइल, ग्लोबल कल्चर. तो इसमें क्या हो रहा है अभी कि ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी इज बीइंग मिस्टेकन फॉर वीकनेस. कैन बी मिस्टेकन फॉर अ वीक बॉस. डिसेंसी कैन बी मिस्टेकन फॉर फेलियर. वेस्टर्न लीडर जब इंडिया में ट्रांसफर होते हैं वो अपना पार्टिसिपेटिव और सोशल स्टाइल लेके आते हैं, और यहां पर हमारे इंडियन सोचते हैं अरे ये तो डिसीजन ही नहीं लेता, क्योंकि उनको आदत है यहां पर कि भाई टास्क फोर्स डिसीजन ले, आगे बढ़े, हायरार्किकल हो. उसके वो ब्रीफकेस उठा रहा है, वो मना कर रहा है, उसने आपके एग्जांपल में डेनिश वाले उसने कहा कि मैं आपको फायर कर दूंगा. तो ये सब मिसमैचेस होती हैं ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन. हम वही अगर हमारा इंडियन लीडर यहां से
वेस्टर्न कंट्री में जाकर के पोस्टिंग हो, वहां पर वो टास्क फोकस्ड और हायरार्किकल स्टाइल डेमोंस्ट्रेट करेगा तो सारे लोग उससे चिढ़ जाएंगे कि ये तो हमारी ओपिनियन ही नहीं ली, हमको पार्टिसिपेशन ही नहीं करा इसने, तो ये सब ब्लेंड होने में टाइम लगेगा। एक पूना में कंपनी थी जिसमें एक इंडियन सीईओ था, काफी सक्सेसफुल थी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, उसका ट्रांसफर हुआ और एक वेस्टर्न सीईओ वहां पर लाया गया, वहां पर यूनियन प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई एक दो साल में। तो जब हमने जानने की कोशिश करी कि जो पुराना जो सीईओ था वो वर्कर्स को के सामने एक स्ट्रांग लीडर के सामने के जैसे प्रस्तुत होता था, और जो नया सीईओ आया उसने इतना ज्यादा सॉफ्ट एटीट्यूड दिखाया, उसको मिस्टेक कर लिया कि उसकी वीकनेस है। या सो ये भी हमें समझना है एज अ सोसाइटी, हमें ये समझना है कि जब हमें कोई अच्छी तरह से ट्रीट करे तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये वीक है, या जैसे आपने दूसरा बोला कि गुडनेस इज सीन एज वीकनेस एंड डिसेंसी इज सीन एज फेलियर। तो अगर कोई डिसेंटली हमसे बात करता है तो हम ये ना सोचे कि ये तो फेलियर है इसीलिए डिसेंटली बात कर रहा है, अगर ये सक्सेसफुल होता तो एरोगेंटली बात करता। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हमारे साथ सब लोग एरोगेंटली बात करेंगे, जो सक्सेसफुल होगा वो तो एरोगेंटली बात करेगा और साथ में जो फेलियर होगा वो समझ जाएगा कि अगर मैंने एरोगेंटली बात करी तभी ये समझेंगे कि मैं सक्सेसफुल हूं, तो वो भी एरोगेंटली बात करेगा। हमारी सोसाइटी में देखें, अगर आपको किसी ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया तो बजाय कि आप सॉरी कहो और अपनी अपने फॉल्ट को एडमिट करो, चौड़े हो जाते हैं, उसके ऊपर आप एग्रेसिव दिखाओगे तो शायद आपको वो छोड़ देगा। बट यू नो आई हैव समथिंग टू शेयर विद यू ऑन दिस एरोगेंस पार्ट। यू नो आपने एरोगेंस का नाम लिया तो मेरे को ख्याल आया, एक बड़ी इंटरेस्टिंग कोचिंग थी, उनके सीईओ जो कि इंडिया में आए थे जो रिटर्निंग एनआरआई थे और उनका जो व्यवहार था अपने टीम के तरफ वो ठीक नहीं माना गया था, तो उन्होंने बोला कि दिस इज योर जॉब, आप पता करिए कि क्या प्रॉब्लम्स हैं एंड वेदर के इस बंदे को कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दैट वॉज आ ब्रीफ। 3 महीने 3.5 महीने खूब इन्वेस्टिगेशन हुई, बहुत बातें हुई और वी रियलाइज्ड के एक हद तक ओवर एरोगेंस बहुत ज्यादा थी और इतनी ज्यादा थी कि उसने अपने टीम को बिल्कुल डीलिंग करा था वो अपने से, टीम वॉज नॉट विद हिम और टीम ने जाके उनके पीछे छुरा घोपा, ग्लोबल तक बात पहुंची, हर तरह से पहुंच जाती है बात, एंड दे वर फोर्स्ड टू टेक कम सो क्लोज टू अ डिसीजन। अ वेरी ब्राइट इंडिविजुअल डूइंग एक्सट्रीमली वेल, ग्लोबली रिकग्नाइज्ड, बट वेन ही केम टू इंडिया, बिकॉज वी सेइंग कि आप एरोगेंट हो सकते हो मगर उसकी भी एक सीमा होती है, हाउ यू ट्रीट पीपल विल ऑलवेज कम अराउंड एंड बाइट। एब्सोल्युटली एरोगेंस, बिल्कुल एरोगेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ हम ये कह रहे हैं कि जब हमसे कोई डिसेंटली कंपैशनेटली बात करे तो हम ये ना सोचे कि वो वीक है। हाँ, वहां पे लीनेंसी आ जाती है। यही चीज अगर पवन आप किसी जनरल से पूछे मिलिट्री में, इट इज एन ऑटोक्रेटिक स्टाइल, इट इज अ डिसिप्लिनेरियन स्टाइल। अब कई जगह ये माना जाता है कि भाई मिलिट्री का स्टाइल कॉर्पोरेट लाइफ में भी इम्प्लीमेंट हो सकता है, इट इज डिबेटेबल, अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है। अभी ये डिबेट चल रहा है कि कैन द मिलिट्री स्टाइल, बिकॉज मिलिट्री आफ्टर ऑल गेट्स इट्स जॉब डन इन द मोस्ट डिफिकल्ट क्राइसिस सिचुएशन, दे गेट द जॉब डन। तो वाई कांट वी एज कॉर्पोरेट्स लर्न समथिंग फ्रॉम देम, मे बी नॉट एवरीथिंग बट सम स्टाइल्स मे बी अप्रोप्रिएट। मेरी ये फीलिंग है कि मिलिट्री से हमें जरूर कुछ सीखना चाहिए और कुछ हमें सेंट से भी सीखना चाहिए। ह्यूमिलिटी दैट विल कम फ्रॉम सेंटहुड, दैट मीन्स ही शुड हैव द करेज ऑफ अ जनरल एंड द कंपैशन ऑफ अ सेंट। अगर हम दोनों को मिक्स करें तो को बहुत अच्छा लीडरशिप स्टाइल शायद बनेगा। पॉइंट्स बहुत सारे हैं और आपके पास बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, लेकिन वक्त की कमी होने के कारण अब हम प्रश्नों पर जाते हैं। मैम आपने अभी हमें बताया कि लीडरशिप बहुत टाइप्स की है, तो क्या ये हम समझ सकते हैं कि लीडरशिप एक सिचुएशनल कंसेप्ट है और एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व कर रहा है, एंड इज इट पॉसिबल कि एक सब स्टैंडर्ड सॉर्ट ऑफ अ लीडरशिप बना दिया जाए, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो एक स्टैंडर्ड अगर सेट कर दिया जाए तो उस कारण या उससे एक इम्प्लॉई और एक बॉस का रिलेशनशिप ज्यादा अच्छा हो सकता है। लीडरशिप एक बहुत वास्ट फील्ड है, लीडरशिप इन वेरी मेनी एरियाज। अब उस लीडरशिप को आप बोल रहे हैं स्टैंडर्डाइज कर दें, सो ट्राई एंड सी द डायकोटमी। कंपनीज एक डिफरेंट स्टेज ऑफ एवोल्यूशन पे होती हैं, कंपनीज डिफरेंट सेक्टर्स में होती हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में होती हैं। लीडरशिप इन टेलीकॉम वुड बी डिफरेंट, लीडरशिप इन इंश्योरेंस वुड बी डिफरेंट, लीडरशिप इन फाइनेंशियल कंपनीज वुड बी डिफरेंट। लीडरशिप एट एवरी स्टेज ऑफ अ पर्सन्स